हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपकी एक ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स होता है जिसको देख के आप एडमायर करते हैं। ठीक मेरी भी ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स हैं जो ठीक मेरे बगल में बैठे हैं। उनका नाम रमेश सर है। रमेश सर एक टीचर के अलावा एक काउंसलर भी है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी सवाल होते हैं मैं सर से ही जाके पूछता हूँ और सर से ही सलाह मशवरा लेता हूँ। सर मेरे को इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं, मैं क्या बताऊँ, वो अपनी ज़िंदगी में भी मैं अप्लाई करता हूँ। आज ठीक मेरा एक ऐसे ही सवाल है जो मैं सर से पूछना चाहता हूँ। तो सर मेरा सवाल ये है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूथ में अकरिंग सवाल है। मेरा सवाल ये है कि सर काफ़ी बारी हमें पता हमें करना क्या है, हम एक्शन भी लेते हैं, बट हमारा क्या होता है, काफ़ी बारी हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है किसी न किसी रीज़न से। हम अपने आप में डाउट करने लगते हैं, फिर हमें फेयर ऑफ फेलियर आना स्टार्ट हो जाता है कि हम क्या वो चीज़ कर पाएंगे, क्या वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा। यानी कोई एक ऐसा डर है जो कि हमें रोक देता है हमारी सारी क्रिएटिविटी को, हमारी सारी एनर्जी को, हमारी सारी वो जो पॉजिटिव वाइब्स को चुरा लेता है। आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डर कह लें, सेल्फ डाउट कह लें। डर से मुझे याद आया, भरत आपने सुना है इन दिनों एक बहुत पॉपुलर मूवी जो है सबके जुबान पर है, साउथ की, पुष्पा का तो नहीं कह रही, जिक्र कर रहा हूं। बिल्कुल, अच्छा पुष्पा मूवी आपने देखी होगी दोस्तों, उसमें एक डायलॉग है, क्या वो डायलॉग आपको याद है, जरा सुनाइए तो। पुष्पा डरेगा नहीं। पुष्पा राज मैं डरेगा नहीं। दोस्तों ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा चिट चैट कर रहा हूँ। डरना, सब कहते हैं कि डर के आगे जीत है, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ये डर कहाँ छुपा हुआ है? क्या हमारे दिल में है, या हमारे मन में है, या हमारे इस लाइफ में? वो डर अगर कहीं दूर चला जाए, कहीं हमसे अलग हो जाए ना, तो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज हम इसी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। कहते हैं डरना मना है, डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे मुहावरे हैं, लेकिन डर आखिरकार हमारे अंदर है ये पता भी नहीं चलता। डर किस बात का और डर किसे लगता है? दोस्तों डर उसे लगता है जो अपने अंदर जो छुपी हुई, यानी जो परमात्मा की दी हुई वो जो पावर्स, वो जो क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, ऐसे बहुत सारी विशेषताएं, वैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। कभी हमने उनके ऊपर फोकस ही नहीं किया, हमने हमेशा फोकस कहाँ किया, हमने हमेशा फोकस हम अपने जो कमियाँ हैं, जो हमारे अंदर जो वीकनेस हैं, जो वीक पॉइंट हैं, हमने हमेशा उनको ठीक करने में ही हमने अपना टाइम गवाया, अपना एनर्जी गवाई, अपना फोकस, सब कुछ हमने जो मुझे ठीक करना है, यानी जो मेरे अंदर जो चीज़ें नहीं हैं उनको पाने में, उन चीज़ों को बनाने में ही हमने सारा टाइम और एनर्जी को गवाया या लगा दिया। लेकिन जो मेरे अंदर पहले से है उसके बारे में मैंने कभी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, कभी मैंने उसके बारे में किसी से पूछा नहीं, किसी से क्या, अपने आप से पूछा नहीं, कभी मैंने उसके बारे में कोई लिस्ट नहीं बनाई। पूरा दिन भर मुझे भरत बताओ, जब आप रात को जाते हो तो पूरा दिन जो आप काम करते हो, जो आप टारगेट लेके जो पूरा दिन की जो शुरुआत करते हो, रात को कंप्लीट होने के बाद कभी आपने आपको उस काम के लिए कितना आपने मदद आपने अंदर से लिया, चाहे वो आपके क्वालिटीज़ हों, चाहे वो आपके इनर पावर्स हों, चाहे वो आपके स्किल हों, इनके बारे में कभी आपने कोई नोट डाउन किया? नहीं सर। कभी आपने फोकस किया कि आज मैंने लाइफ में ये, आज का दिन मेरा सक्सेसफुल रहा, आज मेरे अंदर ऐसी कौन सी वो गुण है जिसको गुण कहेंगे, या कौन सी वो क्वालिटी है, कौन सी वो हुनर है जिसने मदद करी, जिसके बारे में मैंने पता नहीं था मुझे, कभी आपने उसके ऊपर फोकस किया? नहीं सर। कभी हमने कभी उसके ऊपर चिंतन किया? नहीं सर। बिल्कुल, जवाब इसके पास है, सवाल भी इसके पास है, जवाब भी आपके पास है। हमने कभी भी अपने अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो पॉजिटिव इनर पावर्स हैं, उनको कभी हमने कभी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी, और कभी हमने उनको शाबाश नहीं किया, कभी हमने उनका थैंक्स नहीं किया। अगर आप देखेंगे पूरा दिन भर हम मेहनत करते रहते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर थोड़ा टाइम हम उन पे भी ध्यान दें, उनसे बातें करें, अपने आप को और ज़्यादा गहराई में जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लाइफ में यही जो इनर पावर्स हैं, इनर वर्च्यूज़ हैं, यही सब कुछ हैं, और यही मदद करते हैं दोस्तों, और ये हमें पता ही नहीं होता है।
क्यों नहीं पता होता है, कभी हमने अपने बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी, कभी लिस्ट आउट नहीं बनाया, कभी नोटबुक में नहीं लिखा कि आज मेरे अंदर टॉलरेंस पावर ने मदद करी, आज मेरे अंदर पावर ऑफ साइलेंस ने मदद करी, आज मेरी एक स्माइल ने बिगड़ी हुई काम को बना दी, कभी आज मेरे अंदर जो पावर टू फेस फेस करने वाली है, जो एक ताकत, एक कॉरेज, एक पॉजिटिव जो थॉट है, उसने मेरे अंदर मदद करी, ये कभी हम नहीं करते, कभी हम इस पे काम नहीं करते, सोचते नहीं, कभी हम इसके ऊपर मंथन नहीं करते। तो क्या होता है, ये एनर्जी धीरे 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 धीरे, अगर पानी नहीं मिलेगा बीज को, अगर सनलाइट नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा, वो खराब हो जाएंगे। वैसे ही ये होते हुए भी ठीक टाइम पे काम नहीं आते। अच्छा, होते हुए भी ये मोती हैं, ये डायमंड हैं, ये इनर पावर्स गॉड गिफ्टेड हैं, हमारे अंदर हैं, लेकिन अगर हम उसको नहीं जानेंगे, प्रॉपर प्लेस नहीं करेंगे और उसको हम कभी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो होते हुए भी बेकार है। जैसे आपके पास कार है, अगर उस कार को अगर आप चलाओगे नहीं तो उस कार का क्या मतलब है, बेकार है, बेकार है। तो हमारे अंदर इतनी सारी वर्चूज़ हैं, उनकी लिस्ट बनाइए भरत, उनको डेली बेसिस पे उनको एक्टिवेट करिए, उनसे बात करिए, सेल्फ टॉक करिए, तो ये बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो जब आपकी आपको ज़रूरत होगी तो वो एकदम से सामने आएंगे, और जब सामने आएगी तो ये जो फियर टू फेलियर है, ये जो ये डर है, वो कहीं दूर चली जाएगी। यही डर है जो कि हमसे खुशियाँ ले लेती है, हमसे प्यार ले लेती है, हमसे सफलताएँ छीन के ले लेती हैं। तो करना कुछ नहीं है, आज से अपने आप को क्या कहिए, वाह 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 ग्रेट वाह वाह ग्रेट वाह थैंक्स अ लॉट थैंक्स अ लॉट। दिन में कितनी बार, दिन में भरत और आप सब कम से कम 8 बार करिए, और रात को सोने से पहले ये जरूर करिए, ताली बजाइए, दूसरों के लिए ताली बजाते हैं ना, हम सब बजाते हैं, खुश होते हैं, अपने लिए भी ताली बजाइए, बहुत अच्छा किया, बहुत ही बेहतर किया, शाबाश, ताली बजाइए अपने लिए, तो देखेंगे आपको अंदर से और पावर मिलेगी, और आइडियाज आएंगे, और वर्चुअस मिलेंगे, जिससे आप ये जर्नी, ये सक्सेस, ये टारगेट को पूरा कर सकते हैं। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना, मैं जब भी रमेश सर के पास जाता हूँ मुझे एक आंसर का सोल्यूशन ज़रूर मिल जाता है। आज का सर ने जो सोल्यूशन दिया है, यही दिया है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए, वीकनेसेस तो हर किसी आदमी के अंदर होती है, अगर हम वीकनेस देखेंगे तो हम आधे अधूरे हमेशा ही रहेंगे। तो मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी 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 डे, हैप्पी लाइफ।